ये टेस्ट बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बात है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। हम ही देख रही हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या स्टोरी है। वाह, वो तो बहुत गुस्से में है। तुम्हें रूल्स पता है ना? मुझे जल्दी करना होगा। मुझे अपनी नई नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगी, उसे कभी पता नहीं चलेगा। हाय, इतनी मासूम मत बनो ब्लॉन्डी। आप क्या देख रही हैं? ये बस मेरा पेंसिल केस है। तो ऐसी बात है, पेंस जितने भी हो उतने कम है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। और यहाँ क्या हो रहा है? आप कब आई? बहुत अच्छा टेस्ट है, मुश्किल भी। तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम सब नायोमी की तरह क्यों नहीं बन सकते? वो कितनी अच्छी स्टूडेंट है। मैं जानती थी मैं फेल होने वाली हूँ। जो भी हो, आखिरकार घर आ गए। क्या दिन था। जरा रुको, मुझे होमवर्क मिला। चलो भी ठीक है, चलो इसे जल्दी से निपटा लें, बस ज्यादा समय ना लगे। मेरे पास और भी चीजें हैं। क्या बकवास है, मैं बोर हो गई हूँ। मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही। वाओ, आउची, मेरा सर। ये हुआ क्या है? बकवास होमवर्क, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं थोड़ा मजा कर लूं। चलो गेम खेले। ओह हाँ, ये हुई ना बात। चलो चलो चलो, मुझे ध्यान रखना होगा, ये पार्ट थोड़ा मुश्किल है। वाओ, बच गए। मैं कर दिखाऊंगी, मैं जीतने वाली हूँ। जरा रुको, ये क्या था? कुछ भी नहीं, मैं जोन में हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से। आ ही गई, बहुत इंटेंस है। हे बेटी, तुम ये क्या? आओ, मेरा नाजुक सर। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना, कीबोर्ड खराब हो गया था। खराब हो गया? एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास होमवर्क है। पर मैं टाइप कैसे करूंगी? मैं इसे ठीक करना जानता हूँ, भरोसा रखो। पहले मुझे मॉडलिंग क्ले चाहिए। ब्राउन क्ले से शुरू करेंगे, इसे ग्लास के पीस से स्क्वॉश कर देंगे, ऐसा ही अलग अलग कलर से करेंगे। परफेक्ट, मुझे जो चाहिए इसमें सब है। अब इसे साथ में जोड़ देंगे, नीचे की तरफ ये क्ले का पीस रखेंगे और अब बाकी के इसके ऊपर इसे यहाँ लगा देंगे। डैड, शुभ शुभ, क्या हुआ? करते रहो, चलो चलो। बढ़िया सॉन्ग है, प्लीज गाना बंद करो, मुझे बहुत तंग कर रहा है। अरे नहीं, हे भगवान, केविन कितना प्यारा है। तुम क्या कर रही हो? वो सबसे अच्छा है ना, मैं उसे पूरा दिन देख सकती हूँ। वो जरा इसे देखो। ओ नहीं, क्लास शुरू होने वाली है। गुड मॉर्निंग, टेस्ट का समय है। टीचर, क्या हुआ बेटी? नायोमी फोन में लड़के देख रही है। नायोमी, फोन रख दो, मुझे तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ चाहिए। क्या, पर ये केविन है। ये बहुत गलत बात है, तुम बिल्कुल नर्ड हो। क्या मैंने अच्छा किया? कोई बात नहीं टीच, मैं संभाल लूंगी। मैं तुम पर हमेशा भरोसा कर सकती हूँ बेटी। तो मैं कहाँ थी? ये तुमने कैसे किया? नर्ड, एक बार देख लो, सोचना भी मत। पर शायद वो वर्कआउट कर रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे इस बीमारी को ठीक करना होगा, ये बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, बस जरा सा। जरा रुको, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ क्या करना है। जल्दी से सेल्फी ले लेती हूँ। अपना फोन यहाँ रखते हैं, अब सेल्फी का प्रिंट निकाल लेंगे, इसे काट कर फोन पर चिपका देंगे। बढ़िया लग रहा है, ये देखो बेटी। क्या, तुम ये नहीं कर सकती? टीचर, इमरजेंसी। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। उसे देखो, आपको समझ नहीं आया? उसका फोन, वो यही है। देखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो बेटी। पर इस बार तुम जीत गई नायोमी। अभी ये खत्म नहीं हुआ। केविन डांस कर रहा है, मैं देख सकती हूँ? नहीं, और X5 होना चाहिए। वाह, लंच टाइम हो गया, चलो खाएं। हाँ बढ़िया है।
मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मुझे चॉकलेट एग्स बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है और इस पे एक सरप्राइज भी है। ओ, मैं अपने स्नैक्स भूल गई, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है। योइंक, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। मेरा एग कहाँ है? वो यही था। कुछ हुआ है? नहीं, ये तुमने किया? एग चोर, मुझे पता होना चाहिए था, वो हमेशा ऐसा करती है। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आती हूँ। जो भी हो, चॉकलेट लेते आना। पहले एक एग चाहिए, एक स्ट्रॉ और ग्लू भी। शेल पर ग्लू लगाएंगे इस तरह। अब इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे, अभी काफी काम बाकी है। मेल्टेड चॉकलेट में एग को डुबोएंगे। बहुत यमी लग रहा है। अब इसे फॉइल में रख देंगे, अब बढ़िया लग रहा है। कोनों से फोल्ड कर देंगे, बस नायोमी कुछ ना देख ले। ये तैयार है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना पसंद है। शुक्रिया, जितने हो उतने कम है, मजे करो। बहुत गंदा है। देखा, इसे तुम्हें सबक मिलेगा। ये कच्चा अंडा है। यार, तुम चाहती क्या हो? अगली बार अपने स्नैक्स लेकर आना। ओह, ये अच्छा नहीं है। नैने। आर्ट हमारी रूह को दर्शाता है। क्या बोल रहे हो? मैं आ गई। हमेशा की तरह लेट। हो नायोमी, खैर जो भी हो, आज मेरे पास कुछ दिलचस्प है। आज की म्यूज मदर नेचर है और उन्हीं की बनाई हुई एक प्यारी सी चीज। मैं चाहती हूँ कि तुम एक गिलहरी बनाओ और इसकी प्यारी सी पूंछ मत भूल जाना। हाँ, मैं कर सकती हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये हुई ना बात, बेटी। ओह, मुझे कोई कॉल कर रहा है। हेलो। ओह, हे गर्ल, जरा दो मिनट देना। ये बढ़िया बन रही है। मुझे सुंदर पिक्चर्स बनाना पसंद है। हे, जो करना है करो, मेरे पास तो और भी जरूरी काम है, जैसे मेरा मेकअप। तुम्हें पता है ना, तभी तुम हमेशा फेल हो जाती हो। क्या, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मास्टरपीस हूँ और बहुत अच्छी भी। मुझे अपनी गिलहरी पूरी करने दो, क्यों लिपस्टिक बहुत अच्छी है। ओह, टीचर वापस आ गई। वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता है। वाह, बस 5 मिनट और गर्ल्स। मुझे टॉयलेट जाना है, सुसु आया है। ओह हाँ हाँ, जाओ बेटी। मुझे वो तीसरा सोडा नहीं पीना चाहिए था, मुझे जल्दी करना होगा। गिलहरी कैसे बनाते हैं? जितना सोचा था उससे मुश्किल है। अगर मैं इसे क्या बकवास है, मैं क्या करूं? जरा रुको, मुझे बेटी की ड्राइंग चाहिए। वाह, काफी बढ़िया है, वो टैलेंटेड तो है, मानना पड़ेगा। इस पर प्लास्टिक रैप लगा देते हैं, वो भी एकदम कस कर। मैं गिलहरी को ट्रेस करना चाहती हूँ, मैं इसे सीधा प्लास्टिक रैप पर बना लेती हूँ। बस ये लाइंस फॉलो करनी है, ये बहुत आसान है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब लातों की बारी और फिर आखिर, बस होने ही वाला है। जी हाँ, ये कमाल है। प्लास्टिक रैप हटा देंगे, अब इसे उल्टा करेंगे और पेपर पर रखेंगे। हमें इनको ट्रांसफर करना है, ये बेलना काम आएगा। अब प्लास्टिक रैप उठा देंगे और ये बन गई गिलहरी। टीचर, आपको कैसी लगी? जरा मैं देखूं। चलो, उम्मीद है आपको पसंद आए। फिर बच गए, मैंने क्या मिस किया? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने कमाल कर दिया नायोमी। हाँ, आप कितने अच्छे हैं। पर ये मेरी ड्राइंग जैसी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? मेरी, तुमने नायोमी को कॉपी किया? क्या, नहीं, उसने मुझे कॉपी किया। ये राज भी एक राज बनकर ही रह जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ, वो गंदे से येलो स्वेटर वाली लड़की याद है? एव, बहुत ही बकवास थी। ओह, एक्सक्यूज मी, मुझे बस यहाँ से। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। अगर ये चिंता ना हो कि स्कूल में तुम्हें कोई पसंद करता है या नहीं, तो यहाँ रहना थोड़ा आसान होगा। मुझे क्लास में चलना चाहिए, मैं लेट नहीं होना चाहती। क्या? मुझे माफ कर दो। ओप्स, ये कैसा मजाक है? क्या? ये देखो, ये गीला हो गया। तुमने मेरी फेवरेट टी शर्ट खराब कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं इसे बस, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ये कैसे कर सकती है, वो पागल है।
मैं उसे बताती हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। वो पूरी गीली हो जाएगी। कर दो तभी उसे पता चलेगा। बहुत मजा आएगा। चलो देखा, मजा आ गया। ये परफेक्ट था। ओ नहीं, मेरा होमवर्क खराब हो गया। मैं पॉपुलर क्यों नहीं हूँ? ओह साइंस, तुम सबसे अच्छी हो, मुझे तुमसे प्यार है। घबराओ मत, वो बस एक लड़की ही तो है। ओह ठीक है, आज ही वो दिन है, तुम ये कर सकते हो। तुम बहादुर हो, तुम अपना प्यार वेंडी को बता सकते हो। गहरी सांस लो। चलो चल गए। ओह मैंने उसे छू ही लिया। वेंडी, एक्सक्यूज मी। हाय, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं तो बस कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए फूल लाया। क्या सच में तुम ये फूल मेरे लिए लाए? सच में? थैंक यू। यू आर वेलकम। मैंने ये देखा और दिमाग में तुम ही आई। तुम्हें बोटनी पसंद है। तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारे जितना नहीं। रुकोगी, नर्स क्या कर रही है? क्या मैं यहाँ हूँ और वेंडी को रोजेस मिल रहे हैं? ये तो बहुत, मैं नहीं सह सकती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुको, ये बुलेटिन बोर्ड पर क्या है? मुझे देखने दो। फ्लावर डिलीवरी सर्विस। ओह, यही मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल होगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। नॉक नॉक, इस क्लासरूम की सबसे लकी लेडी के लिए मैं फूल लाया हूँ। क्या? वाह। हाँ, हमेशा ऐसे ही रिएक्शंस मिलते हैं। इस क्लास में किसी को इतने खूबसूरत फूल मिलने वाले हैं। वो काश मुझे मिले, बहुत मजा आएगा। और ये फ्लावर्स है वेंडी के लिए। मेरे लिए? ओह तुम बहुत लकी हो। हाँ, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए है। तुम जाओ उसे ले लो। ठीक है, ये लो। शुक्रिया, मुझे पहले किसी ने कभी फूल नहीं भेजे। खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है, टिप दे दो प्लीज। रुको, क्या टिप? हाँ, मैं डिलीवरी गाय हूँ। देखो मैंने हैट भी पहनी है, चलो मुझे टिप दो। टिप डिलीवरी? पर मुझे लगा कि तुम ये फ्लावर्स मुझे दे रहे हो। मेरा तो ये काम है। शर्म की बात है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे पास पैसे तो है, यहीं कहीं होंगे, जरा देखने दो। खैर ये पैसे नहीं है, पर क्या ये चलेंगे? ये लो सर। रुको, ये क्या मजाक है? ये है क्या? तुम मुझे बटन पे टिप दे रही हो? मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, ये फूल तुम ही रखो, मुझे नई जॉब ढूंढनी होगी। अभी इतना अच्छा लग रहा था, अब बुरा लग रहा है। अब मुझे ये फ्लावर्स चाहिए भी नहीं। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। हे मिडी, तुम ये फ्लावर्स चाहिए, ले लो। रुको, तुम मुझे अपने फ्लावर्स देना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। माफ करना वेंडी। कोई बात नहीं। क्या किसी ने वो देखा? इस जॉब में सब करना पड़ता है। मैं थोड़ा सीरियस हो जाती हूँ। पार्टी में बहुत मजा आएगा। वो जरा आउटफिट तो देखो। मिंडी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है पार्टी में क्या पहनना चाहिए?
तुम्हारे शूज भी बहुत स्टाइलिश हैं। रुको, तुम अंदर ऐसे नहीं जा सकती। इस पार्टी में पहले हाइट चेक करना होगा, जैसे एम्यूजमेंट पार्क में होता है। बस हम बच्चों को अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या सच में? चलो, हमें बस देखना है कि तुम इतनी लंबी हो या नहीं। दीवार के आगे खड़ी हो जाओ, देखते हैं। ये पूरी साइंटिफिक मेजरमेंट है। ओह हाँ, तुम काफी लंबी हो। चलो जाओ अंदर, पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, ओह हे जॉन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? हाय। तुमने मुझे डरा दिया था। ओह, तुम ऐसे किसी को भी डरा सकती हो। खैर, तुम्हें देख लेते हैं। क्या ये फैंसी ड्रेस है? नॉवेल्टी सॉक्स और स्नीकर्स? तुम्हें लगता है कि अच्छा लग रहा है सच में? हे जॉन, जरा इसे देखो। हाँ ठीक है, यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी हाइट देखने दो। ठीक है। तुम इसके आसपास भी नहीं हो। क्या? पर पार्टी। माफ करना, तुम्हें पार्टी के लिए कोई और जगह देखनी होगी। प्लीज मेरे लिए कुछ कर सकती हो? तुमने क्या कहा? शायद मैंने सुना नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, तुमने सुना नहीं। अगर मैंने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकती, तो तुम अंदर नहीं आ सकती। निकलो यहाँ से। जब तुम ऐसा करती हो, तुम डरावनी लगती हो। जाओ। कुछ लोग भी ना। हाँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, कितनी गलत बात है, मैं उस बकवास पार्टी में जाना भी नहीं चाहती। उस पार्टी में भी ऐसे से ही लोग होंगे जैसे ये है। हाँ, पर अब मैं क्या करूँ? कुछ तो कर सकती हूँ। हे, एक मिनट रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये जरूर काम करेगा। मैं अपनी शूज यही उतार देती हूँ और सॉक्स को नीचे की तरफ रोल करेंगे। अब इसे पैर से भी निकाल लेंगे, पर रोल करते रहेंगे। अब पूरे सॉक को ही रोल कर देंगे, ये डोनट की तरह दिखेगा। हो गया, अब मेरी सॉक एकदम छोटी सी हो गई। इसे मैं अपनी शू की हील में डाल दूंगी और अब वापस शूज पहन लेंगे। हो गया, चलो ट्राई करें। काफी अलग लग रहा है, बहुत अच्छा आइडिया था। मेरी शूज की सॉक से मैं लंबी दिखूंगी। चलो चले, मैं पार्टी में जाना चाहूंगी प्लीज। तुम दोबारा आ गई, मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से। रुको, मेरी हाइट चेक करो प्लीज। ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, पर चलो आ जाओ। तुमने देखा, तुम्हारी हाइट पहले जितनी ही। क्या तुम लंबी हो गई? पर मैं समझी नहीं, ये हो क्या रहा है? बहुत ही अजीब है। रोज तो रोज होते हैं ना। तुम अंदर जा सकती हो। यस, पार्टी मैं आ रही हूँ। हाँ जाओ अंदर। समझ नहीं आया, वो इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकती है? उसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे। फिर मिलते हैं मिंडी। बाय। हाय मिंडी, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? देखो नर्ड। ओह नहीं, मेरे ग्लासेस। मुझे उनके बिना दिखता नहीं है। वो कहाँ है? यही कहीं होने चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, बस मेरी ग्लासेस ना टूटे हो। मेरी ग्लासेस, मुझे टूटने की आवाज आई। ओह नहीं, लेंसेस चोर चोर हो गए। अब मैं क्या करूं? क्यों हुआ? मेरे बेचारे ग्लासेस। हे भगवान, तुम रो क्यों रही हो? देखो, मेरे ग्लासेस खराब हो गए। ओह हाँ,
दिख रहा है, बुरा लग रहा होगा। खैर कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि बुरी चीजें हमेशा मेरे साथ ही होती है। एक मिनट रुको। हे, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। वेंडी, मैं तुम्हारी ये परेशानी हल कर दूंगी। क्या, पर कैसे? सबसे पहले हमें प्लास्टिक कटलरी की जरूरत होगी, और हाँ एक हेयर ड्रायर की भी। इसे हॉट पर सेट करेंगे। इस तरह प्लास्टिक नाइफ को हेयर ड्रायर से गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो हम इसे मोड़ सकते हैं। देखो ये टूटेगा नहीं, और जब ये ठंडा हो जाए तो ये इसी शेप में रहेगा। और अब हमें ग्लू गन चाहिए होगी। नाइफ के आखिर में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर, इतना काफी है। इसे दूसरी बार भी लगाएं और टिप्स को साथ में जोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह जब ग्लू सूख जाएगी तो ये तैयार है। हमने प्लास्टिक नाइफ से ग्लासेस बना लिए। देखो वेंडी, खैर ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, पर ट्राई करने में क्या जाता है ना? अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेती हूँ। बड़े से बड़ा क्या ही होगा। वाओ, पता नहीं कैसे, पर मुझे लगाकर अच्छा लग रहा है। मैं कैसे लग रही हूँ? वाओ, तुम्हें पता है ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनो वेंडी। या? चलो उठ जाओ और काम पर लग जाते हैं। मेकओवर का समय है। सबसे पहले इस आउटफिट को बदलना होगा। वो ये बेहतर है। ओ, तुम पर पिंक जचता है। अच्छा लग रहा है। वाह, मैं ये तो कमाल है। मैं बहुत अलग लग रही हूँ। चलो ये करें। मैं पॉपुलर गर्ल्स की तरह हमेशा से डांस करना चाहती थी। वाह वेंडी, तुम्हें टाइमिंग और मूव्स दोनों पता है। मैं घर पर शीशे के सामने ही प्रैक्टिस करती हूँ। और फिनिशिंग पोज। हमें कर दिखाया मेडी, कर दिखाया। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बह गई। अजीब है। क्या मैंने कुछ कहा? खैर कम से कम मुझे कूल ग्लासेस तो मिले। अच्छा लग रहा है। मुझे शेड बहुत पसंद है, कितना नेचुरल है। ध्यान रखना होगा कि मेकअप लगा रहे। रुको, ये क्या था? हे भगवान, क्या ये वेंडी है? ओह, वो तो पीली पड़ गए है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। तुम ठीक तो हो? मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं या मोर्टिशियन को? ओह, मैंने ऐसा स्किन टोन किसी जिंदा इंसान पर कभी नहीं देखा। ओह, गुड मॉर्निंग विंडी, तुमसे तुमसे बिल्कुल अच्छा लगा। ओह हाँ, बस मेरा खून मत पी जाना। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, इसमें कुछ गलत है? ये कैसा मजाक है वेंडी, जरा खुद को देखो। पर तैयार रहना, ध्यान से, और शीशा मत तोड़ देना। ओह नहीं, ये मेरी स्किन को क्या हो गया? तुम ठीक कह रही हो, मेरी स्किन बहुत ही पेल लग रही है। जरा इसे देखो, क्या मैं हमेशा से ऐसे ही पेल दिखती थी? और मैंने कभी नोटिस किया ही नहीं। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। कोई बात नहीं, हर किसी को अच्छा कॉम्प्लेक्शन नहीं मिलता। ओह, पर तुम लकी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत बना दूंगी। मुझे बस अपने टूल्स की जरूरत है। लगता है सब आ गया। पहले बेबी ऑयल और मेकअप चाहिए, और एक स्टिक भी चाहिए होगी। सबसे पहले हम इस स्टिक से थोड़ा मेकअप निकाल लेंगे। हमें इसका पाउडर बनाना होगा। अब अगले स्टेप की बारी। अब बेबी ऑयल अपना जादू करेगा। पहले इसका ढक्कन हटा देंगे। अब हमें दोबारा पाउडर चाहिए होगा। इस स्टिक से थोड़ा सा पाउडर निकाल लेंगे।
अब पाउडर को ऑयल में डाल देंगे। जरा ऐसे देखो। अब वापस ढक्कन लगा देंगे। बस ये टाइट होना चाहिए। अब बॉटल को शेक करेंगे। देखो बेबी ऑयल ने अपना रंग बदल लिया। सुंदर है ना। हे वेंडी, देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें पसंद आया ना? क्योंकि ये छोटी सी बॉटल सब कर देगी, जितनी भी तुम्हारी कमियां हैं, और जो तुम पेल हो रही हो वो भी ठीक कर देगी। ये लो। तुम श्योर हो ना कि ये काम करेगा? ओह भरोसा रखो, बस इसे अपने चेहरे पर लगाओ और तुम बहुत अच्छी दिखोगी। खैर हाँ, मुझे ट्राई करना चाहिए। चलो थोड़ा सा लेकर शुरू करती हूँ। इसे अपने हाथ पर डाल लेती हूँ। ओप्स, ज्यादा नहीं लेना। हो हाँ, और शायद अगला स्टेप है मुझे इसे लगाना ही होगा। वाह, खैर लगा ही लेती हूँ, इससे बुरा क्या होगा। मैं इसे अपनी चीक्स पर लगाती हूँ। वाह, स्किन तो बहुत सॉफ्ट लग रही है। ओह, और अपनी आर्म पर भी लगा लेती हूँ। जरा रुको, मेरे पास दो आर्म्स हैं। फिर ये अजीब दिखेगा। मैं इसे बराबर लगाऊंगी। वाह, विश्वास नहीं हो रहा, ये तो काम किया। अभी से पता चल रहा है मेरे चेहरे की चमक अलग ही है। कमाल है। तुम ठीक कह रही थी मिंडी, इसने तो बहुत अच्छा किया। ओहो, ओह, तुम कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। मेरी आंखें, मेरी त्वचा बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आया। चलो पढ़ाई हो जाए। ओह, हे भगवान, ऐसा लग रहा है मेरे क्लासरूम में सूरज आ गया है। ओह, मेरे सनग्लासेस कहाँ हैं? घंटा और मेरा काम हो जाएगा। अरे वाह, ये प्लेलिस्ट बहुत जबरदस्त है। ओह हाँ, मैं सफाई कर रही हूँ। शुक्रिया। हम्म, बहुत बढ़िया। अब अगला कौन है? हाय, अच्छी ड्रेस है। हाँ, पर क्या वो गा सकती है? इतना अच्छा नहीं है। वो ये पैसों की बारिश कहाँ से हो रही है? ये है क्या? ये गाना कब तक चलेगा? जब खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। हे, ये उसके पीछे कौन है? वो क्या ये आफ्टर स्कूल जैनिटर है? और ये इसकी असली आवाज है। कितनी मजेदार आवाज है। ये लाजवाब है। मैं चलती हूँ। हेलो मत। क्या मैं जीत गई हूँ? मैं प्रॉम क्वीन। कंपटीशन खत्म हुआ, ये क्राउन तुम्हारे लिए ही बना था। कंग्रेट्स। चलो अब इसकी सुरीली आवाज सुने। मेरे ग्लव्स इग्नोर करना। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? क्राउन मेरे सर पे होना चाहिए था। ग्लो आना चाहिए। हे बेटी, मूवी देखने चले? तुम्हारी नई गाड़ी लेकर चले। हाय निकी, तुम्हारी जीन जैकेट अच्छी लग रही है। शुक्रिया। मैं केमिस्ट्री क्लास में जा रहा हूँ। मैं बेवकूफ हूँ क्या? मेरा पेंट एक ब्लैंक कैनवस। मजा आने वाला है। देखते हैं आप टॉम को इसकी जैकेट कितनी पसंद आएगी। जल्दी करना होगा, किसी को भी दाग वाले कपड़े पसंद नहीं होते। ऐसा लग रहा है वो मस्टर्ड में गिरकर आई है। हाँ, तुम्हारी जैकेट पर कुछ लगा है। ओह नहीं, पर मैं हमेशा ध्यान देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। बुरा हुआ, पर मैं ठीक कर सकती हूँ। कपड़ों पर दाग आ गया तो क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। ग्लव पहनकर अपने हाथ पर पेंट लगाएं और अब इसे कपड़े पर लगा दें। कितने मजेदार रंग है। थोड़ा सा छिड़क कर ये और अच्छा लगेगा। सब हो गया। हाँ, मैंने इस बुरी चीज से भी कुछ अच्छा बना लिया। वाह, मुझे पोस्ट करना चाहिए। तुम्हारे ये डिजाइन वायरल हो जाएंगे। यहाँ क्या चल रहा है?
इसकी जैकेट इतनी कमाल की कैसे लग रही है। हाँ शुरू करते हैं। वाह ये तो वही है। एक्सक्यूज मी आप कहीं नहीं जा रही मिस, शायद थोड़े पैसों से तुम्हारा दिमाग बदल जाए, ये हमारे बीच का सीक्रेट है। चलिए जाइए मिस। कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाई। मेरे पास ये वाला है। ओ, मुझे नहीं पता था, ये तो बुरा हुआ। हाय देयर, मैं जा सकती हूँ? पर ये मैंने खुद बनाया है। कोई दिलचस्पी नहीं। ओह, हे, उसे अंदर आने दो। कितना शानदार है। क्या मिकी अंदर कैसे चली गई? ये बहुत गलत बात है, मैं पेंट नहीं कर सकती। जी हाँ क्लास, ये इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा? कोई है? मैं नहीं। बेटी जरा जल्दी से इधर आ जाओ। ठीक है, जल्दी करो, चलो। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। क्या, बैठ जाओ। हे भगवान, उन्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? कोई और आने वाला है। ठीक है आओ। निकी दोबारा? हाँ, उसके स्कर्ट में होल है। ये तो काफी बुरा हुआ है ना। कुछ समय में कपड़े खरीद लिया करो। मैं आ रही हूँ। वो मेरी स्कर्ट, ये अंडरवेयर, ये कैसे हो सकता है? हे, मैं सबका ध्यान अपनी तरफ कर सकती हूँ। क्या मूव्स है, रुकना मत, ठीक है? इस पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे। मुझे पसंद आया। हम इसे कहेंगे अंडरवेयर शेक। हाँ, बढ़िया है। अब ये देखो, सबको ये पसंद आया। ये सब क्यों हो रहा है? बहुत हुआ। स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जरा उन्हें देखो, हमने अभी तक अपनी सेल्फी नहीं ली। फिल्टर लगाना मत भूलना। हे, मैं तो फ्रेम में भी नहीं हूँ। थोड़ी और लो। चीज, अब तुम खुश हो? नहीं, ये अमीर लड़कियां भी ना। मेरे पास करने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे ये कचरा फेंकना। ये कहाँ से आया? आजकल सेल्फीज चलती हैं। हाँ, लगता है मैं ये कर सकती हूँ, बस सीन ही तो सेट करना है। अब फोन लगाना होगा। ये ऐसे टिक जाएगा जैसे DIY ट्राइपॉड हो। ठीक है। हे, ऐसी मैं? हाँ, जो भी है, मेरे साथ एक सेल्फी लोगी? इस बार हम दोनों फ्रेम में फिट आ जाएंगे। और वाह, ये कितनी सुंदर लग रही है। और तुम मुझे भी देख सकती हो। ऐसी, हेलो, मैं जरा इधर ही रह सकती हूँ? उसे क्या हुआ है? हाई स्कूल, जिसे हम एक बड़ा पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट भी कह सकते हैं। अरे हाँ, तो पार्टी यहाँ है दोस्तों। वाह, जस्टिन कमाल है। क्या, मैं भी इतनी कूल हो सकती हूँ? हाँ। हे सैम, तो टिकटॉकर्स यही कर रहे हैं? ओह, उसकी तरफ मत ही देखो। बूम, ज्यादा हो गया, मैं कभी पॉपुलर नहीं हो पाऊंगी। आखिरकार लंच हो गया, बस ये ताजा हो। हे, हे, हाँ तो हम तैयार हैं। वाह, ये तो स्लाइमी है। ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये जापान में चलता है। जैसा तुम कहो, ऑक्टोपस सबसे अच्छा है। स्वादिष्ट, बस जहर ना फैल जाए। बहुत अच्छा। तुमने इसे पकड़ा कैसे है?
ये लंच हमेशा याद रहेगा। मैं सुबह से खाने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, मैं कुछ अच्छा ही लाई हूँ। मैं कपकेक्स लाई हूँ और इसका फ्लेवर मेरा फेवरेट है। क्या वो कपकेक्स है? मुझे भी वो खाने हैं। मैं ले लूं? तुम्हें चाहिए? बिल्कुल। अरे वाह, शुक्रिया। अभी मैं टेंटिकल्स खा रहा होता। हे, ये देखो। क्या? मुझे भी वो चाहिए। जरा मैं भी थोड़ा ले लूं। हे, मेरे दोस्त कहाँ है? एशली, वो उनकी क्या लगती है? मैं जानता था, मुझे सैंडविच ही ले आना चाहिए था। हाँ, जस्टिन, वो अकेला है। एक कपकेक बाकी है। हाँ, खैर, मैं ले ही लेता हूँ। आ जाओ। ये रॉ फिश से काफी बेहतर है। मेरी आउटफिट एकदम बढ़िया है। मेरे दोस्त, चलो आ जाओ दोस्तों। कैसे हो? पार्टी के लिए तैयार हो? हाँ? मैंने तुम्हें देखा नहीं आश्ली। मैं यहाँ आ सकती हूँ? हाँ, आ ही जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी कोई पार्टी में नहीं गई। ये क्या है? कोई गेम है? ब्लू, आओ सेल्फी ले दोस्तों। ये सबसे अच्छी पार्टी है। वुहू! ये मैं ग्राम पर डालूंगा। एक और बार ट्राई करते हैं। कैसे हो दोस्तों? बहुत बढ़िया। रुको, मैं बुरा लग रहा हूँ। तुम इसे पकड़ो। ज्यादा पास से मत लेना, ठीक है? मुझे कब तक करना होगा? इससे बेहतर मैं वो कर लूं। फिर मिलते हैं। मैं खेल सकता हूँ? बिल्कुल। हे गाइस, चलो खेलें। पहले अपने कलर्स चुनो। बढ़िया। क्यों? मेरी पार्टी खराब हो गई। स्कोर! ये तो कमाल है। सही पेंसिल नहीं मिल रही। तुम क्या कर रही हो? ओह, हे, देखो तो। आने के लिए शुक्रिया लेडीज। तुम्हें विश्वास हुआ? I love you. मैं हमेशा इसके साथ सोऊंगी। इतना कुछ इसके लिए? आओ आश्ली, मेरा क्विज। या फिर तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। प्लीज एक केक कर कराओ। हाँ, ये लो। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो ना कि एक टेस्ट है। अगली बार कोशिश करना यंग लेडी। रुको, ये मेरा एग्जाम था। मैं क्या सोच रही थी, मुझे पहली बार इफ मिला। है, देखो वो कैसे रो रही है। अजीब लड़की। रुको, मैं भी ऑटोग्राफ साइन करती हूँ, देखो। कितनी बकवास स्टोरी है। क्लास, ये रहा तुम्हारा आज का असाइनमेंट। कोई यहाँ गेस करेगा? जस्टिन, आपने मेरा नाम लिया? ठीक है। कैसे हो क्यूटी? ओ जस्टिन, वाह, यहाँ गर्मी हो गई है। मैं कर सकता हूँ। जरा ये देखो। बिल्कुल, मैं उसे हमेशा देख सकती हूँ। 17 को 5 से हो, ये कैसा है? ये शानदार, ब्रावो। 100, ये तो और भी बुरा है। जो भी हो, फिर मिलते हैं। मुझे चुनो। चलो, मुझे आंसर पता है। एशली, हाँ, मैं समझ गई। आंसर बिल्कुल साफ है। एशली, ये सब क्या है? क्या मैं सही देख पा रहा हूँ? बस थोड़ा समय लग गया, पर मैंने कर लिया। सब एशली के लिए तालियां बजाओ। क्या शो ऑफ करती है।
चलो बैठो डियर। हाँ, तुमने अच्छा काम किया। मुझे बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे हंसाओ मत लियो। ओ नहीं, मेरी पेंसिल। बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ये क्या कर रहा है? मुझे यही तो चाहिए। पहले बॉक्स से इसका ढक्कन हटाना होगा। अब अंदर की तरफ एक शार्पनर लगा देंगे। अब बॉक्स को वापस बंद कर देंगे। अब मुझे मेरी ग्लू गन चाहिए। बॉक्स के साइड पर ग्लू लगाएंगे और इस पर पॉप्सिकल स्टिक लगा देंगे। ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। अब फोम के पीस से एक सेमी सर्कल काट लेंगे। बॉक्स के बेस पर ग्लू लगाएंगे और इस पर फोम चिपका देंगे। बिल्कुल इस तरह। इस कलरफुल कार्ड में बॉक्स को रैप करेंगे। अब ऊपर की तरफ और फोम लगाएंगे। इसे पूरा लपेट देंगे। अब बस छोटी छोटी डेकोरेशंस लगानी है। इसका प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाएंगे। अब इस पर स्प्रिंकल्स लगा देंगे। ये एक पॉप्सिकल है, पर अभी और भी है। मैं इससे अपनी पेंसिल शार्प करूंगी। कितना सुंदर है और काम का भी। इस बॉक्स में सारी शेविंग्स आ जाएंगी। मैं ज्यादा ही बहक गई थी। मुझे इसे थोड़ा आराम से करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। तो चलो, ये कैसा मजाक है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जानता था यही होगा। कम से कम मेरे पास शार्पनर तो है। चलो अब टेस्ट दो, कोई बातें नहीं करेगा। मेरी नजरें तुम पर ही है। मुझे लगता है ये अच्छा जाएगा। मुझे भी यही लगता है। सच में तुम? वो तो हम देख ही लेंगे। मैं इस टेस्ट में कमाल कर दूंगी। अच्छा, वो भी हम देख लेंगे। और अब मैं चीटिंग करूंगा। हे, दूर रहो। तुम बिल्कुल नर्ड हो। हे, मैंने अभी क्या कहा? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। शुक्र है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चीटिंग में मुझे ये मिलना चाहिए। हाँ, तुमने क्या कहा? हे टीचर, यहाँ देखो। तुम क्या कर रहे हो लियो? मैं बर्ड्स को देख रहा हूँ। बस करो, आप मुझे जानते हो ना, मैं मॉडल हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहो। एक पॉप्सिकल। हे जूली, अब क्या हुआ है? बदलना चाहोगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगा था वो काम करेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मतलब ये बहुत टेस्टी लग रहा है। उसे मेरी कमजोरी पता है। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। ये मुझे दो। लो, मेरा रूलर ले लो। ये हुई ना बात। मैंने इसे मजे से खाया। एक सेकंड रुको, ये पॉप्सिकल स्टिक देखकर मुझे एक आइडिया आया। पर मुझे और भी चाहिए। मुझे थोड़े पेंस भी चाहिए। पॉप्सिकल स्टिक्स को कलर कर देंगे। अभी इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब मुझे एक कार्ड की स्ट्रिप चाहिए। मैंने इस पर दो शेप्स बनाई हैं। मुझे इन्हें काटना होगा। अब इनमें से एक को नीचे की तरफ लगाएंगे और रूलर को ऊपर लगाएंगे। पॉप्सिकल स्टिक पर लाइंस बना देंगे। रूलर को कॉपी करते जाएंगे। अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे। ये काफी है। कितना प्यारा रूलर बन गया है। और इसे बनाना बहुत आसान था। हे, तुम्हें कैसा लगा? मुझे यहाँ ध्यान देने दो। ये क्या? हे! उप्स, मेरी गलती है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया और वो मेरी पॉप्सिकल ले गई। मैं अपना टेस्ट फिनिश कर लेती हूँ। जरा उन रूलर्स को तो देखो। तुम दूर रहो। वाह, ठीक है। क्या नींद आई। और इस ग्लास, ये एक हॉर्स है। उम्मीद है इससे तुम इंस्पायर हुए। मैं चाहता हूँ तुम इसका खुद का वर्जन बनाओ। हाँ, मुझे चलेगा। मैं पेंस निकाल लेती हूँ। मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मिल गए। मुझे तो मिल ही नहीं रहे। जरा ये देखो, मुझे यही तो चाहिए। रुको, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरे पेंस कहाँ चले गए? वो यहीं पड़े थे। तुम चोर हो। वो मेरे हैं। क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें बोलना होगा। जरा रुको। इस कॉटन स्वाप से मुझे एक आइडिया आया। चलो काम पर लग जाएं। मुझे कैंची चाहिए। कॉटन स्वाप के ऊपर का हिस्सा काटेंगे। अब हमें टिश्यू पेपर चाहिए। इसे स्वाप पर लपेट देंगे और एकदम टाइट रखेंगे और टेप से इसे चिपका देंगे। ये सही लग रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब मैं इसे ब्लू कार्ड में लपेटूंगी। टेप का एक और पीस चाहिए। पूरा कार्ड लपेट देंगे।
परफेक्ट, मुझे यही तो चाहिए था। ऐसा ही और स्वॉप्स के साथ भी करेंगे। अलग अलग कलर्स के कार्ड इस्तेमाल करेंगे। अब इन स्वॉप को पेंट में डिप करेंगे। कार्ड का कलर इनके पेंट से मैच करना चाहिए। कॉटन अच्छे से सोक कर लेगी और मेरे होममेड पेंस तैयार है। ने लियो। पहले ब्लू पेन से शुरू करेंगे। ओ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास ये भी है। वो कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देता हूँ। मैं एक नेचुरल आर्टिस्ट हूँ। मुझे लक विश करो। पहले दो सर्कल्स बनाएंगे, अब कलर्स बदल लेंगे। अब मैं इसे फिल कर सकती हूँ। टाइम जाता जा रहा है क्लास, बस 5 मिनट बाकी है। मुझे जल्दी करना होगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ओ ठीक है, चलो भी। मैं प्रेशर में अच्छे से काम नहीं कर पाता। जी हाँ, चलो अब अपनी ड्राइंग्स दिखाओ। ये देखो, उम्मीद है आपको पसंद आए। शानदार जूली। मैंने शुरू तो किया था, मतलब ये गिना जाएगा ना। यॉक्स, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मतलब तुमने कोशिश तो की है। क्या बात है, मुझे पसंद आया। मैं मैथ क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ध्यान दो क्लास, तुम इसका जवाब दे सकते हो? ये थोड़ा ट्रिकी है, चलो आगे बढ़ो। मेरी पेंसिल कहाँ है? वो यहीं कहीं थी, शायद मेरे बैग में है। मैं देखता हूँ। नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं है। रुको, यहाँ है। ये थोड़ी ट्रिकी है। अब तुम कहीं नहीं भाग सकती, अच्छी कोशिश थी। हाँ तो चलो करें। हो गया, बहुत आसान था। जरा रुको, मैं गलत हूँ, मुझे इसे बदलना होगा। मेरे पास इरेजर नहीं है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे जल्दी से एक ढूंढना होगा। मेरा बैग, कूल, एक बॉक्सिंग ग्लव। ध्यान तो लियो, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम बहुत ड्रामा करते हो। एक सेकंड रुको, जरा ये माचिस की डिब्बी तो देखो। मैं सोच रही हूँ शायद मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। हे लियो, तुम्हें इरेजर चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले माचिस की डिब्बी को खाली करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगा, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। हमें ऐसी ही और भी चाहिए होगी। कलर्ड पार्ट को इस तरफ रखेंगे। अब हमें ग्लू चाहिए। साइड पर ग्लू लगाएंगे और डिब्बियों को साथ में जोड़ देंगे। ग्लू को सख्त होने देंगे। अब और ग्लू लगाएंगे। दो डिब्बियों को ऊपर की तरफ लगाएंगे और एकदम एक के ऊपर एक ऐसे ही लगाते जाएंगे। और ग्लू और डिब्बियां, बिल्कुल इस तरह। अब ऊपर की तरफ ग्लू लगाएंगे और साइड्स पर भी। इनके ऊपर कार्ड लपेट देंगे, कोई क्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कलर कार्ड पर बीड्स लगाते जाएंगे। ट्वीज़र्स की मदद से ये आसान हो जाता है। मैं इसे ग्लू से चिपकाती जा रही हूँ। ये बस आखिरी है, लगता है हो गया। अब मैं लियो को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें कैसा लगा? ये क्या है? मैं दिखाती हूँ, हर बॉक्स एक ड्रॉअर है। क्या बात है, तुम इसमें अपनी सारी स्टेशनरी रख सकते हो। तुमने मुझे हैरान कर दिया, शुक्रिया जूली। ओह, मुझे यही तो चाहिए, मेरी पेंसिल टूट गई। आज का दिन पूरा होता ही जा रहा है। कोई बात नहीं लियो, ड्रॉअर के अंदर देखो। ओह अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आने वाला है। वाओ, मुझे यही तो चाहिए था। तुमने आज का दिन बचा लिया जूली, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मैं वापस लगा देता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। ये रही अगली प्रॉब्लम क्लास, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये क्या, इन्हें क्या हो गया है? रुको, मैं ये वाला जानता हूँ। हाँ मैं आ गई हूँ, लेसन शुरू कर सकते हो। हाँ हाय, मुझे तुम्हारा कोट पसंद आया, कितना फरी है। मुझसे बात मत करो। बस ध्यान रहे कि सब मेरी ज्वेलरी देख पाए। मेरी भी कोई रेपुटेशन है, क्या कोई मुझे देख रहा है? हाँ क्लास, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। वाओ, बहुत तेज है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। स्पार्कल स्पार्कल। हाँ, मेरी आँखें, ये ज्वेलरी निकाल दो। माफ करना, मुझे तो बस अच्छा दिखना पसंद है। हाँ हम जानते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी है, मेरे बैग में फिट नहीं आ रही। ये सब मेरे नौकर मेरे लिए करते हैं। चलो भी घुस जाओ। इतना समय कहाँ लग रहा है, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैं कुछ करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मैं नोटबुक इस्तेमाल करूँगी। इसे उल्टा करेंगे, अब हाथ की शेप ड्रॉ करेंगे। जब ये हो जाए तो इसे काट लेंगे। एक और हाथ बनाना है, अब इस पर ग्लू लगा देंगे। ग्लू बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे ताकि हम इसे चिपका सके। थोड़ा जोर डालेंगे,
और हो गया। बहुत अच्छा है। हे नोरा, क्या क्या ये मेरे लिए है? अच्छा है, मैं इसे अपने डेस्क पर रख लेती हूँ। मेरी ज्वेलरी के लिए ये परफेक्ट है और ये हैंडी है। थैंक्स नर्ड। कोई बात नहीं, तुम भी मेरे लिए कुछ करोगी, शायद ये तुम्हारे लिए। वो सच में कितनी सुंदर लग रही हो। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं क्रिएटिव हो गई हूँ। जल्दी करना होगा, एग्जाम खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट बाकी है। मैं लेट हो गई, बकवासा यूनिकॉर्न वाला सपना देख रही थी। मैं फेल हो जाऊंगी, इजल्स भी नहीं बचे हैं। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। शायद मैं ये इस्तेमाल कर पाऊँ, मुझे बस बॉक्स चाहिए। इसे सेक्शंस में काटेंगे, एक छोटे स्ट्रिप से शुरू करेंगे, इसे बड़े से स्क्वायर के नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इसे पलटा कर ग्लू लगाएंगे और फिर टिका देंगे। अब कार्डबोर्ड की एक बड़ी से स्ट्रिप चाहिए और ग्लू लगाएंगे और ऊपर की तरफ लगा देंगे। एक एंगल पर इन पीसेस को रखेंगे। अब स्क्वायर कार्डबोर्ड को इसके साथ जोड़ देंगे। ग्लू लगाकर इस पर तीसरा पीस लगाएंगे, ये स्टैंड होगा। अब इसे पलट देंगे और बड़ा सा स्क्वायर इस पर लगा देंगे। अब मेरे पास ईजल है। हाँ, क्या ये क्या है? तुमने किसी आर्टिस्ट को कभी काम करते नहीं देखा? मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, तो करते हैं। रुको, मेरे पास पेंट नहीं है। हे एल्सा, तुम मेरा ले सकती हो। थैंक्स। ओह, ये तो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल है। अब मैं तैयार हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिल चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। बॉस, अपने ब्रशेस रख दो। रुको, एग्जाम खत्म हुआ, अब हम जज करेंगे। बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया नोरा। हम जाते हैं स्कूल में, कुछ चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, इसीलिए हमारे पास ये हैक्स है जिससे कुछ तो आसानी हो। स्कूल की आपकी सबसे अच्छी टिप क्या है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।